चलिए अब एक अच्छी खबर आपको छत्तीसगढ़ के बालोद से हम सुनाते हैं। बालोद के डीएम ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें घर के बाहर बेटियों के नाम वाली नेम प्लेट लगेगी। नेम प्लेट लगाने के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देना मकसद है। ये छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का एक स्कूल है। यहाँ बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत जिले के कलेक्टर साहब बेटियों की परेशानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है। इसी अभियान में कलेक्टर साहब ने एक शानदार पहल की और स्कूल की बच्चियों को एक नेम प्लेट दिया जिसमें उनका नाम लिखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले लड़की का नाम, फिर नीचे उनके परिवार वालों का नाम है। इतना ही नहीं, बच्चियों को ये समझाया गया कि इस नेम प्लेट को अपने घर के बाहर लगाना है। सभी लोग मिलकर एक ही विचार लाए कि अगर बेटियों का गौरव हमको बढ़ाना है तो उनके नाम से भी पहचान बनाने के लिए, उनके जो घर हैं उनके पहचान के लिए उनका नेम प्लेट लगाया जाए। तो ये एक विचार आया और सभी सरपंचों के और यहाँ जो वार्ड के जो प्रतिनिधि हैं उनके सहभागिता से इसको अभी शुरू किया गया है। कलेक्टर साहब इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों तक ले जाना चाहते हैं जिससे आने वाले समय में शहर का हर घर बेटियों के नाम से जाना जाए। उनकी इस पहल से लड़कियां खुश हैं। हमारे जिलाधीश महोदय ने हमें बहुत अच्छा आंसर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे बीच आकर रूबरू हुए। जमीनी स्तर पर उतरकर और छात्राओं से बेटियों से रूबरू होकर ये जो योजना को बता रहे हैं उससे बहुत लाभ होगा हमारे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी जिसके बाद से अलग अलग राज्यों अलग अलग जिलों में इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।